नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, अब हम जो बात कर रहे हैं आज के वीडियो में, वो कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट वर्ग हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनमें ये एक विचारधारा काफ़ी कॉमन मिल रही है कि गांजा पीने से टेंशन कम हो जाती है। जब भी हम उनसे पूछते हैं कि आपने गांजा पीना शुरू क्यों किया, तो वो बताते हैं, सर हम पढ़ाई करते थे, एग्ज़ाम का प्रेशर या कॉलेज में जो भी अलग अलग तरह के राजनीति या प्रेशर जो भी होता था, तो हमारा दिमाग जो है एकदम टेंस हो जाता था, तो हम जो है वो शुरुआत में तो सिगरेट पीने लग गए थे टेंशन मिटाने के लिए। ऐसा लगता था जैसे सिगरेट के धुएं के अंदर हम जो है अपनी सारी ज़िंदगी की टेंशन उड़ा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हम सादी सिगरेट से शुरू हुए थे, तो उससे हम गांजे पर शिफ्ट हो गए, ये इस तरह की उनमें देखने को मिली थी। तो ये ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग थे और स्टूडेंट्स थे जिनके अंदर ये काफ़ी आम धारणा थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या वास्तव में गांजा पीने से व्यक्ति की टेंशन कम होती है क्या। तो दोस्तों, लोग गांजा पीना शुरू क्यों कर देते हैं सिगरेट पीने की बजाय? एक तो ये जो गांजे वाली सिगरेट जो होती है, ये उसी पान की थड़ी पर मिल जाती है जिस थड़ी पर सिगरेट मिलती है उनको, तो ये उनकी अवेलेबिलिटी इस गांजे की बहुत इजी है, खास तौर से अपने इस नॉर्थ जो इंडिया का पार्ट है उसके अंदर। दूसरी बात जो है, वहाँ पे लोग बाग कई जो गांजे की सिगरेट पी रहे होते हैं, वो उनको सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्यों इतना परेशान दिख रहा है, अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो गांजे की सिगरेट पी ले, इसलिए वो पी लेते हैं। तीसरी एक बात जो और देखने को मिलती है कि वो जब किसी और व्यक्ति को ऐसे गांजे की सिगरेट को रोल करते हुए देखते हैं या सिगरेट में भरते हुए देखते हैं, तो उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ये लोग यहाँ क्या, ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा हमारे शरीर पर। इस तरह उन्हें एक जिज्ञासा शरीर के अंदर, उनके मन के अंदर पैदा होती है, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो देखते हैं कि चलो एक बार मैं भी इसको करके देखता हूँ। तो जो आसपास कर रहे होते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं कि मैं तो गांजा पीते ही जो है थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाता हूँ, ज़िंदगी की सारी टेंशन भूल जाता हूँ और सब कुछ अच्छा ही महसूस होता है। दोस्तों, वो जो इस तरह की बात कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ आधा सच बता रहे हैं, बाकी का आधा जो बुरा सच है वो लोग इस बात को छुपा जाते हैं। दोस्तों, गांजा पीने पे, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि या तो व्यक्ति गुड ट्रिप पर जा सकता है या बैड ट्रिप पर जा सकता है। गुड ट्रिप पर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो रिलैक्स्ड महसूस करता है, उसको लगता है कि शरीर पूरा रिलैक्स हो गया और जो उसकी एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो इफ़ेक्ट है ना, रिलैक्स फील करना और एंग्जाइटी कम हो जाना, ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग होते हैं। मान लीजिए 2 से 4 घंटे के लिए ही ये असर रहता है, और जैसे ही ये 2 से 4 घंटे के बाद गांजा जो है हमारे शरीर से मेटाबोलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये एंग्जाइटी वापस वह व्यक्ति महसूस करने लग जाएगा, उतनी ही उतनी एंग्जाइटी या पहले से अधिक एंग्जाइटी। इस तरह ये ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करने लग जाते हैं, या तो उतनी करने लग जाएंगे, या हो सकता है पहले से ज़्यादा एंग्जाइटी या घबराहट, टेंशन, बेचैनी का अनुभव करने लग जाएं। और बैड ट्रिप होती है जब गांजा पीने पर जिस किसी व्यक्ति में, तो वो शुरू से ही उनकी घबराहट बढ़ जाती है, गांजा खींचते ही उनकी घबराहट, बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हम ये देख पा रहे हैं कि गांजा पीने के बाद चाहे व्यक्ति गुड ट्रिप में जाए, चाहे व्यक्ति बैड ट्रिप में जाए, अंत क्या होना है, पहले से अधिक एंग्जाइटी होना। यानी उस व्यक्ति की एंग्जाइटी जो कम होती है, घबराहट, बेचैनी, टेंशन जो कम होती है, वो क्षणिक होती है 2 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद वापस उतनी ही या उससे अधिक एंग्जाइटी। तो दोस्तों, ऐसी ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा जो थोड़ी देर के लिए तो असर करे और उसके बाद पहले से ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस होने लग जाए या पहले से ज़्यादा टेंशन महसूस होने लग जाए। इसकी बजाय कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए टेंशन को कम करने का, जिससे वो एंग्जाइटी और ज़्यादा लंबे समय तक कम रहे, उस तरीके का कोई शरीर पर या मन पर, दिमाग पर, मस्तिष्क पर कोई नुकसान ना हो। इस तरह के और भी रास्ते हैं जिनसे हम अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। तो मरीज अक्सर पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, अगर एंग्जाइटी हो रही है, हमारे एग्ज़ाम का समय है, तो हम क्या करें? तो और भी रास्ते हैं दोस्तों अपनी एंग्जाइटी मिटाने के, जैसे स्पोर्ट्स में भाग लेना,
यानी गेम्स खेलना, ये बहुत अच्छा साधन है आपको अपनी एंग्जाइटी, घबराहट, टेंशन मिटाने का। सेकंड, म्यूज़िक, ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। या तो जो आप जिस गेम को आप खेलते हैं उसको डेली खेलिए, इवन एग्ज़ाम्स का समय है तो भी उसको खेलने के लिए थोड़ा समय निकालिए, ताकि क्या होगा कि आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम रहेगी, दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा। आपको जब टेंस फील कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए थोड़ा म्यूज़िक सुन सकते हैं। आपको लग सकता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली टाइम वेस्ट नहीं होता, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा जैसे ही आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। तीसरी और चीज़ें, हम अपने घर वालों से या जिससे भी हम बात करना पसंद करें उससे हम बात कर सकते हैं, तो उससे हमारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। जो पॉजिटिव थॉट वाले लोग हैं, जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, उनसे बात करें, या ग्रुप स्टडी कर लें अगर एंग्जाइटी स्टडी के कारण है, तो दूसरों के साथ बैठ करके पढ़ें तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सबकी सिचुएशन एक जैसी सी है, अकेले बैठने पे अच्छा वो उसका कितनी तैयारी है पता नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह के ख्याल आते हैं, तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, या फिर घूमने जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे पार्क में चले गए, मंदिर में चले गए, इस तरह 15-20 मिनट हम अगर घूम के आ गए तो भी हमारा जो दिमाग है थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं बिना किसी शरीर को और दिमाग को नुकसान पहुंचाए हुए, या वापस एंग्जाइटी को बिना बढ़ाए हुए। अगर इन सब चीज़ों से भी एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज होना, शरीर में कंपन, पसीना, मुंह सूखना, ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, अपने मनोचिकित्सक से मिलिए, वो आपका पूरा एग्जामिनेशन करके आपको हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दे। आप हो सकता है आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी वो भेज दें, ये आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको एंग्जाइटी कम करने के मेथड्स बताएंगे, कहाँ हमारी सोच में गड़बड़ है, क्या हम नेगेटिव सोच रखते हैं जिस वजह से हमारी एंग्जाइटी पैदा हो रही है, इन सब एरिया को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करके और वहाँ जो है आपको एक पॉजिटिव सोच कैसे लानी है उस बारे में बताएंगे। तो इस तरह हम एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं एंग्जाइटी के। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि गांजा पीने से कभी भी एंग्जाइटी कम नहीं होती, अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट होता है वो या तो घबराहट उतनी ही रहेगी या पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कभी भी जीवन में अपनी घबराहट कम करने के लिए किसी भी नशे का, किसी भी तरह के नशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।